लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर दिवंगत पंचायत शिक्षक के सैकड़ों परिजन अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज चौथा दिन है, लेकिन किसी भी जन प्रतिनिधि ने इसकी सुध नहीं ली है। अपने परिजनों को खो चुके महिलाओं का कहना है, धरना स्थल से है या तो हम नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे या फिर हमारी लाश जाएगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मिर्गे ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 12 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कोई कार्यालय, ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा है जहां अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन नहीं दिया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला है। प्रदेश सरकार ने चुनाव के समय का वादा किया था कि सत्ता में आते ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। जैसे दूसरे विभाग के नियम शिथिल कर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, वैसे हमको भी दी जानी चाहिए। सर, हमारी एक ही मांग है, अनुकंपा नियुक्ति। हम सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि नियमों में शिथिलता प्रदान करती है, अनुकंपा नियुक्ति दे दिया जाए। और हम लगातार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने दिवंगत एलबी शिक्षकों के आश्रितों को नियमों में शिथिलता प्रदान करती है, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है, उसी तरह दिवंगत शिक्षक पंचायत के आश्रितों को भी नियमों में शिथिलता प्रदान करती है, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दे। हम कोई भी विभाग में हमें नियुक्ति चाहिए और हमारी जीविका का साधन हमें होना चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करती हूँ मुख्यमंत्री जी कि आप नियमों में शिथिलता प्रदान करते हैं, अनुकंपा नियुक्ति दीजिए।